आज तो गरीब मत बोलो। दीदी क्या करने वाली है, मुझे लगा शायद बहन की कुछ रस्म होती होगी, कोई नेक होता होगा, तो ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, तो मैंने उसको मजाक के भी में ही लिया और मैं भी बोलने लगी कि कुछ बड़ा देने वाले हो क्या। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लोग ऐसा करेंगे। जिनको लग रहा है, जो ब्लॉग देख रहे हैं या फिर जिनको लगता है कि हमेशा रोती क्यों रहती है, खुशी के मौके पर भी रोती क्यों है, तो उनको मैं ये बता दूँ, उनको भी और समाज के कुछ लोगों को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो रस्में बनाई गई हैं ना, वो इंसान को तोड़ने के लिए नहीं होती, इंसान को जोड़ने के लिए होती हैं। तो ये जो रस्म होती है ना कि जब किसी के पति इस दुनिया में नहीं होते हैं तो दसवें के दिन उसका जो सुहाग होता है वो भाई उतारता है। तो ये चूड़ी मुझे यहाँ पर इसलिए पहनाई जा रही है क्योंकि वो दसवें के दिन चूड़ी मेरे भाई ने ही उतारी थी, इसलिए आज वो मुझे चूड़ी पहना रहा है। मैं 2.5 साल बाद चूड़ी पहन रही हूँ, मैंने नहीं पहनी। ऐसी रस्में नहीं होनी चाहिए कि एक टूटे इंसान को वो भाई जो अपनी बहन को ऐसी कंडीशन में देख रहा है उसके ऊपर इस रस्म का बोझ भी डाल दिया जाता है कि तुमको ये रस्म करनी है कि अपनी बहन की चूड़ियाँ उतारनी है। सोचो उस भाई के दिल पर क्या बीतती होगी। तो ये जो आंसू है ना, ये उस दिन के आंसू हैं जब वो मेरे सामने बहा नहीं पाया था, ये वो आंसू हैं जो आज निकल रहे हैं चूड़ी पहनाने के बाद। और इतना खुश हुआ, वीडियो कॉल पर शोभा को दिखा रहा था कि देखो बहन को चूड़ी पहनाई है, मेरे हाथ को बार बार मेरी हाथ में चूड़ियाँ बजा बजा कर दिखा रहा था वहाँ सबको कि देखो कितनी सुंदर लग रही। तो ऐसी रस्में मुझे लगता है कि माननी नहीं चाहिए। ये रस्में इंसान को तोड़ देती हैं अंदर से, जो वो बोल नहीं पाते, कभी दिखा नहीं पाते। निःशब्द हूँ इस जगह में, निःशब्द हूँ। ईश्वर किसी भी भाई को ये दिन ना दिखाए, मैं यही मांगती हूँ, किसी भी भाई को ये दिन ना देखना पड़े। हम ऐसे नियमों को बदल तो नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से चले आ रहे हैं। जिनको लग रहा है कि शादी के माहौल में ये क्यों बताया जा रहा है, तो इन्फ्लुएंसर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम समाज को दिशा दिखाते हैं तो हमें सारे पहलुओं को सामने लाना चाहिए।
किसी भी रस्म को इस तरीके से मत करिए, किसी भाई से मत करवाइए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि जो घाव होते हैं ना वो दिखते नहीं हैं। मेरे लिए मेरा भाई दुनिया का सबसे अच्छा भाई है, सबसे अच्छा भाई। और अगर नहीं भी होता ना, तो किसी भी बहन के भाई के लिए ये घड़ी बहुत मुश्किल होती है। फिर देख ले, आज उसका जो तकलीफ थी अंदर की वो आंसुओं के साथ बह गई, और अब मैं नहीं चाहूंगी कि वो कभी भी रोए, कभी भी ना रोए। बहुत खुश रहे, बहुत बहुत खुश रहे। कि मुझे रोना नहीं है बिल्कुल भी, फिर ये क्या हो रहा है शुरुआत में? चीनो तू इतना समझदार हो, क्या कर रहा है? किसी से तो बोल रहे मतलब शुरू से हम लोग को फोन करके बोल रहे थे, मैं उसको नहीं बिल्कुल देख, और कितनी नहीं हिम्मत रोना क्यों ना, चुप हो जा सब सब चीनो जान दो देख, वो कहते देख रही कुछ भी नहीं, कुछ भी सिर्फ तेरे वजह से चुप हो, ऐसे को सारे परेशान करेंगे, चुप हो जाओ। इतना हिम्मत देने की बात है ना, सब कुछ पहले से भी हम कुछ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। चीनो ऐसे नहीं, तुझे चुप करना चाहिए, तू तो और हो रहा है तू कोई इधर मत कर, कुछ भी नहीं मन से कर रखा है। चुप चुप बहाने हां, चुप हो जा यार, डांस की वीडियो नहीं बनाएगा अपन, बस बोले यूट्यूबर बोले। यहाँ पर मैं अपने भाई के लिए वो वाला डांस कर रही हूँ जो हमारा सगाई के टाइम बहुत वायरल हुआ था, कि प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ उसको इस रूप में देखकर। मेरे लिए हमेशा ये छोटा सा बच्चा ही रहेगा, भाई नहीं है ये, मेरा बच्चा है, मेरा बड़ा बेटा। मुझे ये फीलिंग आती है इसके साथ में, मेरे लिए कभी बड़ा हो भी नहीं सकता। आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें हम खूब सारी मस्ती करेंगे। और ये जो पल है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हंसी खुशी वाले पल शेयर कर रहे हैं, तो हमें ये पल भी शेयर करने चाहिए, जिससे कोई एक बंदा भी अगर सीखता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। किसी एक भाई के लिए भी अगर मैं नज़रिया बदल पाई तो मेरे लिए बहुत 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 खुशी की बात होगी। थोड़ा सा इमोशनल हो गया, होता नहीं है नॉर्मली, आपने देखा होगा मेरा भाई ऐसे इमोशनल नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग है, पर ये पल ही ऐसा था। और ये जो आंसू है ना, वो खुशी वाले आंसू हैं, अपनी बहन को ऐसा देखकर बहुत खुश हो रहा है वो, आज बहुत खुश है, बहुत। अरे स्पीकर से अभी चालू करते हैं। नीतू दीदी चूड़ियाँ लेकर आई मंदिर में चढ़ाने के लिए, ले गई थी, और वो जो पॉलिथीन थी वो वहीं छूट गई थी। तो वो इतना खुश हो रही थी कि देखो माता रानी भी तुमको अपना आशीर्वाद दे रही हैं, और बार बार मेरे हाथ की तरफ देखकर बोल रही थी मेरी नेहा ने चूड़ी पहनी है। इतनी खुश थी, झल्लेट है पर बहुत अच्छी है, और मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए बहुत मायने रखती है मेरी नीतू दीदी। गलत बात,
मुझे मालूम था मैं इतने टाइम से वो कर रही थी, लेकिन नहीं, इतना गुस्सा करती है, मतलब आज मना कर ही नहीं पाएगी वो, मुझे पता। आगे से मना नहीं करेगी अब वो, नहीं करेगी, अब तक नहीं करेगी। यहाँ पर अभिषेक के आंसू इसलिए हैं क्योंकि जब वो आया तब मैं रो रही थी और उसको ये लगा कि वो टाइम पर नहीं आ पाया। जब मैं रो रही थी तब वो मेरे पास नहीं था, तो कान पकड़कर माफ़ी मांग रहा है कि इस समय मैं कैसे आपके पास नहीं था। इसलिए इतना रोया है वो, इतना रोया है कि सॉरी, मुझे होना चाहिए था और मैं क्यों नहीं था। हम सब लोग नेहा को किसी रूप में देखना चाहते हैं। बोलो, आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई का शादी है, बस हाँ। कर दिया ये, जब हमेशा इतना होना चाहिए। और पता है अधूरी ये चीज शीतला माता के मंदिर में से आई है, भारतीय चरणों में से आई है। अब अपन लोग कभी मना नहीं करेंगे।